बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे शास्त्री ने कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न ही हम कोई चमत्कारी हैं और न ही हम कोई गुरु हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे पर कानून का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने कहा है कि हमारा संविधान रामकथा या धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। समिति संस्थापक का कहना है इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सही साबित होते हैं तो वो उनको 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। अब इस पर समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया जाए। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा।